हेलो स्टूडेंट्स, प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे जगन्नाथ दास द्वारा रचित कविता उद्धव प्रसंग, जो यूपी बोर्ड के हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित है। कला वर्ग वाले विद्यार्थियों के लिए ये विशेष रूप से उनके पाठ्यक्रम में समाहित की गई है, क्योंकि जगन्नाथ दास रत्नाकर हिंदी के, विशेष रूप से ब्रजभाषा पर इनकी असाधारण पकड़ थी और उसी ब्रजभाषा में इन्होंने उद्धव प्रसंग की रचना की है। बहुत ही सुंदर उद्धव प्रसंग है। भगवान श्री कृष्ण और गोपिकाओं के मध्य संवाद का वर्णन किया गया है और उनके जो मित्र थे भगवान कृष्ण के, और वो उनके चचेरे भाई भी थे पारिवारिक रूप से। भगवान कृष्ण को लगा कि मेरे मित्र उद्धव जी को ज्ञान प्राप्त करने का अभिमान हो गया है और उन्होंने ये निश्चित किया कि अहंकार अभिमान का नाश मुझे अपने मित्र के करना है, क्योंकि अहंकार और अभिमान हमारी उन्नति में बाधक है। अपने काम के प्रति स्वाभिमान रखना एक अच्छा गुण है, लेकिन अहंकार करना, घमंड करना, ये मानवीय दुर्गुण है। इसके निदान के लिए भगवान श्री कृष्ण गोपिकाओं के समक्ष उद्धव जी को भेजते हैं और यहाँ पर भगवान कृष्ण ये सिद्ध करने की कोशिश करते हैं, और सच्चाई भी है कि प्रेम ज्ञान से ऊपर है, भगवत प्रेम ज्ञान से श्रेष्ठ है। भगवत प्रेम से हम ईश्वरीय भक्ति को स्वाभाविक रूप से अत्यंत आनंदित होकर ईश्वरीय तत्व को प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन जब हम ज्ञान में पहुंच जाते हैं, ज्ञान के क्षेत्र में पहुंच जाते हैं, तो ज्ञान से ईश्वर को उतना सही तरीके से परिभाषित नहीं किया जा सकता जितना प्रेम के रास्ते पर चलकर उसकी सही टीस को महसूस किया जा सकता है। तो आइए विद्यार्थियों, कक्षा 12 हिंदी के पाठ्यक्रम में निर्धारित जो पाठ है उद्धव प्रसंग, आज हम सभी मिलकर इस पाठ का अध्ययन करेंगे। कोशिश करूँगा कि इस पाठ को मैं सही से व्याख्यायित करूं, और कहीं पर यदि त्रुटि का समावेश हो जाए तो मैं उसके लिए क्षमा प्रार्थी रहूंगा, क्योंकि ज्ञान अंतरिक्ष के समान अनंत है। उद्धव प्रसंग का जो कक्षा 12 के हिंदी के पाठ्यक्रम में रखा हुआ है, उसका पहला ही पद है, भेजे मन भावन के उद्धव के आवन की, सुधि ब्रज गावन में पावन जबे लगी, कहे रतनाकर ग्वालिनी की, झोरी झोरी दौरी दौरी नंद पौरी आवन तवे लगी, उझक उझकी पद कंजन के पंजन पे, पेखी पेखी पाती छाती छोहन छवे लगी, हम को लिखो है कहा,
हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, कहन सब है लगी। ब्रजवली सबसे ज्यादा मधुर मानी जाती है और ब्रजबोली में सबसे ज्यादा रस सिक्त कविता हुई है। तो यहां पर ये बताया गया है कि मन भावन सबके मन को अच्छे लगने वाले, सबके मन को मोहक लगने वाले भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव जी के लिए वृंदावन में भेजा है, गोकुल में भेजा है और वो यहाँ पर आ रहे हैं। श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत उद्धव जी इस बात की खबर, इस बात की सूचना जब ब्रज के गांवों में आसपास के वृंदावन के आसपास जो गांव हैं वहां के गांवों में जब ये सूचना वृंदावन के आसपास के गांवों में जब ये सूचना लोगों के लिए प्राप्त हुई कि भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत वाहक के रूप में उद्धव जी पधार रहे हैं, कहे रत नाकर ग्वालिनी की झोरी झोरी, जब ये गांव के वासिंदों के लिए, बाकी ब्रज रमणियों के लिए, समूचे गांव के लिए जब ये सूचना मिली तो ग्वाल वालाओं के साथ साथ जो ग्रामीण लोग हैं वो भी झुंड के रूप में उधर के लिए कूच करने लगे, जिधर सबका मन जिस गांव के प्रति लगा हुआ था। दौरे दौरे नंद पौरे आवन तब लगी, और सभी गांवों में जब ये सूचना पहुंच गई तो गांव के लोग, ब्रज गोपिकाएं, ब्रज रमणिया, ग्वाल वाले सभी मिलकर झुंड के झुंड दौड़ दौड़ कर नंद की दहलीज पर इकट्ठे होने लगे, एकत्रित होने लगे। उझक उझक पद कंजन के पंजन पे, उझक उझक उद्धव जी के लिए सभी लोगों ने घेर लिया। अब जो पीछे ब्रज रमणिया खड़ी हुई थी, ग्वाल वाले खड़े थे, उनको भगवान श्री कृष्ण के द्वारा भेजे गए संदेश वाहक उद्धव जी के दर्शन नहीं हो पा रहे थे, तो उन्होंने प्रयास करना शुरू कर दिया। वो पैरों के पंजों पे खड़े होकर उझक उझक कर, झांक झांक कर कृष्ण के द्वारा भेजे गए दूत को देखने के लिए लालायित हो उठे। हमको लिखो है कहा, हमको लिखो है कहा, पीकी पीकी पाती छाती छोहन छवे लगी। और जब उन्होंने उद्धव जी के हाथों में एक पत्र देखा जो भगवान श्री कृष्ण ने भेजा था, तो वो उसको समझने के लिए कि इसमें भगवान कृष्ण ने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है, इसको जानने के लिए वो उद्धव जी से कहने लगे सभी मिलकर, हमको उन्होंने हमारे लिए क्या लिखा है, उन्होंने हमारे लिए क्या संदेश भेजा है। और सभी वो एक स्वर से कहने लगे कि आप बताइए कि भगवान कृष्ण ने हमारे लिए इस
इस पाती में क्या संदेश भेजा है। चाहत जो स्वस संजोग श्याम सुंदर को, जोग के प्रयोग में ही तो विलस्यो रहे, कहे रतनाकर सु अंतर्मुखी है। ध्यान मंजु ही कंज जगी, ज्योति में धस्यो रहे, ऐसो करो लीन आत्मा को परमात्मा में, जामे जड़ चेतन विलास विकस्यो रहे। मोवस जोहत बिछो जिय जाको छोई, सोतो सब अंतर निरंतर वस्यो रहे। गोपिकाएं उद्धव जी को कटघड़े में खड़ा कर देती हैं, उनको तर्क देकर समझाने लगती हैं। चाहत जो सुबस संजोग श्याम सुंदर को, हम तो केवल भगवान श्री कृष्ण का संजोग चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। हम ये जानते हैं कि योग के प्रयोग से उस परम तत्व को प्राप्त किया जाता है, और सभी बताते भी हैं कि वह हृदय रूपी गुफा में निवास करता है और वह अंतर्मुखी है। योग करके वह आंतरिक नेत्रों से उस परम तत्व को प्राप्त किया जा सकता है, उस परम तत्व के मिलन के आनंद को प्राप्त किया जा सकता है। और योगी लोग बताते भी हैं, ऐसे करो लीन आत्मा को परमात्मा में, कि हमें आत्मा को परमात्मा में ऐसे लीन कर देना चाहिए कि जिसमें कोई जीव और आत्मा में कोई अंतर नहीं रह जाए। पूर्व योगियों द्वारा बताई गई इन बातों के प्रभाव से, ज्ञान योग के प्रभाव से उद्धव जी ये सब बातें गोपिकाओं से कह रहे थे। मोवस चोहत बिछो जिए जाको छोई, सो तो सब निरंतर अंतर वस्यो रहे। केवल मोह की वजह से, मोह माया की वजह से हमें उस परमात्मा से बिछो अनुभव होता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण सशरीर परमात्मा स्वरूप हैं, लेकिन आंतरिक रूप से वो सभी में विराजमान है। हम स्थूल दृष्टि से सोचने की वजह से उनसे बिछो महसूस करते हैं। वो कान्हा, वो कृष्ण कन्हैया तो हम सभी के अंदर है। आगे गोपिकाएं का बड़ा ही मार्मिक वर्णन इस कविता में किया गया है। सुनि सुनि उद्धव की अखे कहानी कान, कौत है रानी को था नहीं थी रानी है, कह रतनाकर रिसानी वरानी को बिलखानी विकलानी विथकानी, को शेदशानी को भरी द्रग पानी रही, कोई घूमी घूमी पर भूमि मुरझानी है, को श्याम श्याम कहे बह की बिल्लानी, कोमल करे जो था में सहमी सुखानी है। उद्धव जी की इस प्रकार की योग की बातों को सुनकर, योगा की बातों को सुनकर, सुनी सुनी उद्धव की अखे कहानी का, उद्धव की अकथनीय इस कहानी, इसको नहीं बताना चाहिए था। इस प्रकार की अखे कहानी को सुनकर गोपियों की स्थिति विचित्र प्रकार की हो गई थी। कोई गोपी ठहरानी, कोई गोपी स्थिर हो गई, जड़वत हो गई, को था नहीं थी रानी, और कोई इतनी निरशक्ति हो गई, बिना शक्ति की हो गई कि वो थाम को पकड़कर खड़ी हो गई। कहे रत्नाकर रिसानी बरानी कोई, रत्नाकर दास जी कहते हैं कि
किसी गोपी के लिए उद्धव जी पर बड़ी ही रिस आ गई, बड़ी ही गुस्सा आ गई, बड़ा ही क्रोध आ गया। वररानी कोई और कोई गोपी इस प्रकार के उद्धव जी की बातों को सुनकर कोई गोपी बड़बड़ाने लगी। जब हम गुस्से में होते हैं, जब हमें क्रोध आता है तो हम बड़बड़ाने लगते हैं। यही स्थिति जब हमारे मन का नहीं होता तो हमें क्रोध आता है और हम अंदर ही अंदर बड़बड़ाने लगते हैं। इसी भाव को यहाँ पर उकेरा गया है। कोई बिलखानी बिकलानी बिथकानी है, कोई बिलख बिलख कर रोने लगी, कोई बिकलानी कोई व्याकुल हो गई और कोई बिथक गई, कोई ठिठक गई, कोई सीध सानी और कोई पसीने से तर हो गई, कोई भरी द्रग पानी रही और किसी गोपी के दोनों नेत्रों में जल आ गया, पानी आ गया, आंसू आ गए, कोई घूमी घूमी पर मुहमी मुरझानी है और कोई गोपी मुरझाकर भूमि पर सूख कर गिर सी गई। जिस प्रकार से कोई पत्ता पेड़ से जब सूख जाता है तो वो अनायास ही गिर जाता है, इसी प्रकार से किसी गोपी की स्थिति ऐसी हो गई कि वो भगवान कृष्ण के इस प्रकार के अप्रेम युक्त, इस प्रकार के योग युक्त, इस प्रकार के सूखे संदेश को सुनकर बहुत उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि वो घूम घूम कर मूर्छित होकर भूमि पर गिर पड़ी। को श्याम श्याम कहे बहकी बिल्लानी, कोई और कोई गोपी भगवान श्री कृष्ण का जो प्रसिद्ध नाम श्याम है उसको ले लेकर बहकने लगी, पागल सी हो गई, बहक सी गई और बिलबिलाने लगी, यानी कि विचलित होने लगी, उसके अंदर चंचलता और घर कर गई कि भगवान कृष्ण ने इस प्रकार के योग संदेश को हमारे पास भेजा। हम जानती हैं कि भगवान श्री कृष्ण हर अंतर मन में निवास करते हैं, लेकिन इस प्रकार का संदेश हम गोपिकाओं के लिए उन्हें नहीं भेजना चाहिए था। कोमल करे जो साम सहमी सुखानी है, और कोई गोपी अपने कोमल अपने सुकोमल कलेजे को थाम कर सूख गई और उसे पकड़ कर बैठ गई। देखिए कितना कोमल वर्णन, कितना ही स्वाभाविक वर्णन, कितना ही आकर्षक वर्णन जगन्नाथ दास रत्नाकर ने अपनी इस कविता में किया है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज मैंने आपके लिए उद्धव प्रसंग के 3 पदों के लिए मैंने यहाँ व्याख्यायित करने की कोशिश की। यदि आपको इसमें जो कुछ भी अच्छा लगे उसे आप इसे ग्रहण करें और जो सारहीन है उसको त्याग दें, क्योंकि कहा भी गया है कि हमें जो कुछ अच्छा है इस संसार से उसको ग्रहण करें और जो थोता है, जो बुरा है, जो हमारे समाज को विकृत करे, ऐसे को हम त्याग दें। इन्हीं शब्दों के साथ आज का पाठ मैं समाप्त करता हूँ। अगले नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे के पदों को मैं व्याख्यायित करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत। ओम नमः शिवाय।